आ गए आप लोग। तो गाइस आज की अनदर वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ऑसम चीज़ बताने जा रहा हूँ। या आई नो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ लिया होगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्राफ्ट्समैन के लिए क्लाइंट्स देने जा रहा हूँ। अब देखो भाई, आप लोग बहुत पुराने समय से माइनक्राफ्ट को जानते हो, खेल रहे हो, और आप लोग क्लाइंट्स के बारे में नहीं जान रहे हो, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। अब देखो यार, कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो मैं उनके लिए बता दूँ। बेसिकली क्लाइंट्स जो होते हैं ना, इसका यूज़ किया जाता है गेम को बहुत ज़्यादा ही स्मूथ करने के लिए, पीपी के समय गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करने के लिए, एफपीएस बढ़वाने के लिए, एंड माइनक्राफ्ट जावा में आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स दे देता है, जैसे कि डार्क जगहों पे भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, ऐसी ऐसी आप लोगों को फीचर दे देता है। लेकिन हमारे क्राफ्ट्समैन में इतने सारे फीचर्स मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपके एफपीएस को बूस्ट कर देगा, आपका गेम को स्मूथ बना देगा, एंड या थोड़े बहुत आपके गेम को फैंसी लुक दे देगा, ये जरूर कर सकता है। अब आप लोगों ने ऑप्टिफाइन, लूनर क्लाइंट और भी बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देने वाला हूँ। और आपके बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर्स, फॉर एग्जांपल सेनपाई स्पाइडर, नीज गेमर, ये सब भी बहुत सारे क्लाइंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख ही सकते हो। तो चलो गाइस, अब वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इस वीडियो को आगे बढ़वाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद आप लोगों को जेड आर्चीवर पे क्लिक करना है। यस, आप लोगों को जेड आर्चीवर की जरूरत पड़ेगी, एंड आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों को डाउनलोड कर लेना, जो आपको लिंक मिलेगी। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड्स में सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर देना है, नया फोल्डर। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल इस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ क्लाइंट, आप इसी तरीके से कुछ भी रख लेना, मैं क्लाइंट्स रख रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को डाउनलोड्स में आना है। आप लोग फिलहाल देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही खाली फोल्डर है, लेकिन फिलहाल मेरे को डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैंने आप लोग को एक जिप दिया है, आप लोगों को उसी जिप को पहले कॉपी कर लेना है, जो कि क्लाइंट्स जिप करके है। चलो इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड जहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करना है, एंड देन आप लोगों को अपने क्लाइंट्स वाले फोल्डर में आके इसको पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, इसके बाद आप लोगों को वापस से डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद आप लोग अपना सेकंड ढूंढो। देखो गाइस, आप लोगों को ये जो बैड लायन दिखा दे रहा, आप लोगों को इस ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो मैंने पहला लिंक दिया ना क्लाइंट्स करके, आप लोगों को उसी में ये बैड लायन मिल जाएगा। तो आप लोगों को बार बार इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये गलती से यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया, वीडियो में आ गया है। तो चलो फिलहाल मैं इसे जल्द से क्लाइंट्स में इम्पोर्ट कर ही देता हूँ। ओके, सो मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद आप लोगों को दूसरा चीज़ जो मैंने आपको डाउनलोड लिंक में दिया है, यस ये बैड लाइन गलती से हो गया था, ये असल में आप लोगों को डाउनलोड में नहीं दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे आके दूसरा चीज़ जो मैं आपको डाउनलोड में दूंगा वो होगा ऑप्टिफाइन। तो चलो जल्दी से ऑप्टिफाइन फाइंड करते हैं। यस, ऑप्टिफाइन यही करना चाहिए, एंड यहाँ पे ऑप्टिफाइन है। चलो इसे कॉपी करते हैं, एंड यहाँ आने के बाद इसे भी हम जल्दी से इस क्लाइंट्स वाले में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड पेस्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये तीनों को पेस्ट कर दिया है। बैड लाइन मैंने बोला नहीं, गलती से हो गया, तो फिर यह आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसके बाद आने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको आर्चिव पे क्लिक करना है। इसके बाद वापस से डिवाइस स्टोरेज पर आना है। इसके बाद आने के बाद गेम्स पर आना है, कॉम डॉट मोजांग, फिर रिसोर्स पैक पर आना है, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जबकि मैंने इसे 4x में स्पीड में दिखा रहा हूँ, तब भी ये इतना टाइम ले रहा है। तो आप लोग सोच लेना, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को बैड लायन दिखाई दे रहा सेकंड नंबर पे। ओके, आप लोग को इसके बाद बैक कर देना है। आप लोग को यहाँ पे ऑप्टिफाइन देखने को नहीं मिला, इसलिए चलो ऑप्टिफाइन भी मैं आप लोग को डाउनलोड करवाता हूँ। तो ऑप्टिफाइन का मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा था, आपको क्लाइंट्स में आना है, ऑप्टिफाइन में आना है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को इसे भी एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों को वापस से डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक कर देना है, एंड आप लोगों को अगेंस्ट गेम्स में आना है, एंड कॉम डॉट मोजांग, रिसोर्स पैक, एंड यहाँ आने के बाद आप लोगों को इसे भी एक्सट्रैक्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑप्टिफाइन भी आ चुका है। ओके, सो इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसे कट कर देना है। आप लोग अपना क्राफ्ट्समैन ओपन करना है। फिलहाल मेरे पास क्राफ्ट्समैन फॉर मोड्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के पास कोई सा भी क्राफ्ट्समैन हो, इनफैक्ट माइनक्राफ्ट 0.15.10 है ना, तब भी वर्क करेगा। आप लोग को ऑप्शंस में आना है, मैनेज में आपको टेक्सचर पैक दिखाई देगा, इसमें मैनेज में आना है, एंड आप लोग देख सकते हो आप लोग कितने सारे क्लाइंट्स मिल चुके हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को ऑप्टिफाइन लगा के दिखाता हूँ। ओके, तो चलो ऑप्टिफाइन सबसे नीचे रह गया,
ऑप्टिफाइन को जल्दी से लगाते हैं, एक बार जो है क्लिक कर देना है, आपका ऑप्टिफाइन लग जाएगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को मेक श्योर रखना है कि आप अपना गेम एक बार एग्जिट कर दो, क्योंकि अगर आप लोग एग्जिट नहीं करोगे ना तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, तो फिर आप लोग को एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग एक बार एग्जिट करके दोबारा ओपन करना है इसे, तभी अच्छे से वर्क करेगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एग्जिट कर दिया है, एंड दोबारा से इसमें ज्वाइन करता हूँ एंड यहाँ पे मेरा ऑप्टिफाइन लग चुका है। अब आप लोग आप बोलोगे पता कैसे चलेगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रास, ओके यहाँ पे ग्रास का टेक्सचर आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड या ये हमारे गेम, आप लोग को ऑलरेडी मेरा गेम कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा होगा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड या इस वर्ल्ड का ऐसी हालत मैंने टेस्टिंग में कर दिया ओके क्योंकि मैं देखना चाहता था भाई कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं लाता हूँ मैं, भाई पहले टेस्ट कर लेता हूँ उसे। ओके सो इसके बाद आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किसी भी चीज़ के ज़्यादा चीज़ों की ग्राफिक्स बदली नहीं है, नॉर्मल ही है, जैसे कि लावा के थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन हमें मेन चीज़ तो टेस्ट करना है TNT का एक्सप्लोजन। तो इतना TNT आई थिंक इनफ रहेगा हमारे गेम को लैग करवाने के लिए। इसको चलाते एंड नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ही गायब कर दिए हैं। पार्टिकल्स गायब हैं तो फिर आप लोग को बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड चलो जल्दी से यहाँ से एग्जिट करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे टेक्सचर्स है दिखाने को, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब कितने सारे अभी भी हमारे पास बाकी है दिखाने को। तो चलो जल्द से बैड लायन क्लाइंट लगाते हैं, ये भी एक बहुत पॉपुलर क्लाइंट है। तो चलो जल्द से यहाँ से गेम एग्जिट करते हैं, दोबारा से गेम को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग देख सकते हो ये कैसा है। यहाँ पे मेरे स्टोन की ग्राफिक्स ही चेंज हो गई है एंड हमारे ग्रास की भी ग्राफिक्स चेंज हो गई है। तो चलो जल्द से स्टोन में आप लोग को प्लेस करके दिखाते हो, सब ब्लैक ब्लैक हो गया है, कॉबल स्टोन भी ब्लैक हो चुका है भाई, आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, एंड इसके बाद ये डर्ट है एंड आप लोगों को मैं पूरा कुछ दिखाई देता हूँ, आप लोग टेक्सचर देख लो सबका कैसा है। एंड या यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक जॉम्बी हॉर्स है, इस पर हम मारने के बाद इसे टेस्ट करते हैं। एंड या पार्टिकल्स चेंज नहीं किए गए, इसमें पार्टिकल्स हैं। तो चलो जल्द से TNT का एक्सप्लोजन करके दिखाता हूँ कि आखिर इसका एक्सप्लोजन होगा कैसा। 9 TNT है एंड ये हमारे गेम को लैग करवाने के लिए इनफ है। एंड लेट्स सी भाई, इतना लैग नहीं है भाई, इतू सभी लगने, जबकि इसमें पार्टिकल्स भी दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो भाई। एक बार और चलाता हूँ एंड क्या लैग करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये सब के सब वर्किंग है एंड आप लोग के बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। चलो चलते अपने नेक्स्ट टेक्सचर की ओर। ओके सो यहाँ आने बार मैनेज में आते हैं एंड इसे प्यार से भगाते हैं, चल निकल। ओके सो इसके बाद आने के बाद हम अपना नेक्स्ट टेक्सचर इंपोर्ट करते हैं जो कि होने वाला है लूनर क्लाइंट। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये भी, बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों ने हो ही नहीं सकता भाई सुना ना हो इसके बारे में अगर आप लोग 2-3 साल पुराने प्लेयर हो तो। तो चलो जैसे यहाँ से गेम एग्जिट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एंड या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्वॉर्ड की ग्राफिक्स क्या ही ऑसम कर दी गई है। एंड क्या इसमें आर्मर्स की ग्राफिक्स भी अलग है भाई, मैंने सुना है कि चेस्ट प्लेट पे ना वो कुछ बना सा आने लग जाता है आप लोग क्लाइंट लगाओ तो, लेकिन एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है इसमें। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओके सो यहाँ पे आर्मर पे मुझे दिखाई तो दे रहा है चांद एंड यस एक सेकेंड गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे चेस्ट प्लेट पे आगे लूनर बना हुआ है, मतलब ये सही में वर्किंग है। एंड चलो यार अब इसका भी धमाका एक बार टेस्ट करते हैं कि ये कैसा हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ये कितना ज़्यादा FPS देगा हमें जब हम लोग इसके सामने TNT फोड़ेंगे। बाय द वे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पोर्शन का इफेक्ट भी चेंज कर दिया गया है। एंड यहाँ के बाद आप लोग TNT को चलो मैं जल्द से एक्सप्लोर करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। 9 TNT वापस से रखा है एंड इसमें भी आग लगाया एंड ओके कुछ भी नहीं हुआ, अगेन से कुछ भी नहीं हुआ भाई, जबकि पार्टिकल्स तो इसमें भी थे। गाइस अनबिलीवेबल भाई, ये आपके गेम को चेंज करके रख देगा भाई। आप लोग क्लाइंट यूज करने वाले हो अब, वो भी क्राफ्ट्समैन में, भाई आप लोग जानते भी नहीं हो इसे ढूंढने मुझे कितना मेहनत लगी है। बाय द वे बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसे हटाते हैं लूनर क्लाइंट को, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लाइंट की तरफ। ओके सो नेक्स्ट क्लाइंट हम लोग लगाते हैं ये फॉक्स क्लाइंट, इसको लैबी मोड भी कहा जाता है। एंड बाय द वे ये सब के सब ग्रेट ग्लैडियस MC के द्वारा किए गए हैं, तो बिगेस्ट शॉट आउट टू हिम। एंड यहाँ के बाद मैं जल्द से गेम को क्लोज करता हूँ एंड दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हो पोर्शन का इफेक्ट इसमें चेंज नहीं किया गया है, ये नॉर्मल ही है एंड इसमें बाकी सब भी नॉर्मल है, लेकिन इस वर्ड चेंज है। एंड क्या हमारा आर्मर इसमें भी चेंज है, वेट मैं देखता हूँ। एंड या यहाँ पे भी पूरे के पूरे ग्रास का टेक्सचर चेंज है एंड वॉट
भाई यहाँ पे तो पूरा फॉक्स बना हुआ है। हो भाई क्या ही औसम लग रहा है यार दिखने में। एंड चलो जल्द से यहाँ से हटाते हैं क्योंकि हमें तो मेन मजा धमाके में यार देखना एक बार। और एक सेकंड मेरा गिराया कहाँ मैंने यार, मैं कुछ भी करता हूँ यार। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग एक स्नोबॉल भी ले लेते हैं एंड जल्दी से यहाँ पे जलाकर ट्राई करते हैं कि आखिर फूटता तो फूटता कैसा है। ओके सो यहाँ पे आग लगा दिया है एंड अगेन से नथिंग। भाई ये अब तो मेरे को लग रहा है कि भाई देखो, पहली बात जो भी ये सोच रहा है कि मेरा मोबाइल बहुत हाई एंड होगा, तो मैं उसे बता देता हूँ कि मेरा भी 4/64 का ही मोबाइल है भाई। 4GB 64GB इंटरनल है, नॉर्मल भाई बिल्कुल बेसिक मोबाइल है जो कि 10,000 तक बड़े आराम से आ जाता है। तो फिर ये ऐसा मोबाइल नहीं है क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अपनी काली थूत चमकाता है इसके, एक सेकेंड, ये बदतमीजी करता है। ओके तो किसी ने कुछ नहीं देखा, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके तो यहाँ से भी मैं इसे एग्जिट करता हूँ एंड यहाँ आने के बाद चलो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे पीपी लगे। भाई देखो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड ये पीपी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज इसमें उन्हीं के लाइक टेक्सचर है। भाई देखो मैंने सुना है कि सारे पीपी वालों को ना डब्बे डब्बे वाले टेक्सचर पसंद है और इसमें आपको वही देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड या यहाँ आने के बाद आप लोगों को ये सब तो ऐसा दिखाई दे ही रहा है, थोड़े बहुत इसके भी टेक्सचर चेंज है भाई ग्रासेस के। एंड या मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ये वाला टेक्सचर इतना पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ पीपी प्लेयर्स को बहुत पसंद आता है। बाय द वे इसमें भी हमारे आर्मर पे बना हुआ है एक गेमर का निशान, भाई साहब पूरा हेडफोन बना हुआ है यार। एंड या चलो हमें तो देखना है धमाका, तो चलो जल्द से फोड़ के देखते हैं TNT और कैसा फूटता है। एंड बाय द वे हमारा TNT फोड़ने की जगह कहाँ गई? एंड या इसमें भी पोर्शन का इफेक्ट चेंज नहीं किया गया है एंड इसका मतलब है कि इसमें भी हमें पार्टिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम इसे भी फोड़ के एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं। ओके सो मैं यहाँ आ गया हूँ एंड इस बार बहुत सारा लगाने वाला हूँ मैं। आप लोग सोच रहे हो नल्ले वल्ले 2-3 लगा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो इतने सारे लगा दिया मैंने। एंड ओ भाई मुझे ऊपर फेंक दिया बट स्टिल गेम में थोड़ा सा भी फ्रीज देखने को नहीं मिला। एंड आप लोग इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ही ज़्यादा ऑसम होगा। एंड बाय द वे आप लोग इसमें देख सकते हो आग इसमें नीले रंग का दिखाई देता है, तो ये ऑब्वियसली अच्छा है यार। एंड इसके बाद चलो यार अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। ओके सर इसके बाद हम जल्दी से इसे भी हटाते हैं प्यार से एंड इसके बाद हम अपना आखिरी टेक्सचर यानी कि क्लाइंट लगाते हैं जो कि है ये स्टार क्लाइंट, मैं इसे कहता हूँ और बाय द वे इसका कुछ भी नाम हो। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आने बाद सबसे पहले मैंने अपना चेस्ट प्लेट ही देखा है जिस पे स्टार बना हुआ है। एंड चलो जल्दी से इसे हटाते हैं। बाय द वे ऑप्टिफाइन में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑप्टिफाइन में गेम को बिल्कुल ही सिंपल बना दिया गया है एंड उसमें ही आपका गेम सबसे ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ओके सो बाय द वे आप लोग इसमें आके देख सकते हो, आप लोगों को सब थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट चेंज दिखेगा, स्नोबॉल भी इसमें चेंज है। एंड या इसे मार के एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि इफेक्ट इसमें चेंज नहीं है। ओके सो चलो यहाँ पे आप लोग आग को देख सकते हो एंड ये क्या है व्हाट? ओ भाई इसमें लगता है आग पे थोड़ा काम नहीं किया गया है, बहुत ही बकवास लग रहे हो यार, बहुत भाई याद। तो चलो यहाँ आने के बाद जैसे TNT फोड़ते हैं एंड एक हाथ से अब इस बार मेरा पेट नहीं भरने वाला, इस बार तो मैं इस पूरे केव को भर डालूंगा। एंड या और भी ज़्यादा भरूंगा एंड या शायद से इतना इनफ रहेगा भाई। इस बार तो भाई मेरा मोबाइल क्रैश होना ही होना है। ओके भाई एक सेकेंड के लिए मुझे फ्रीज देखने को मिला मेरे गेम में बट इसने उसे भी सह लिया। ओके सो आज के इस क्लाइंट की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ये भी बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू फ्रेंड।